बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने एसडीएम घनश्याम धनगर के साथ आज पाटीनाका क्षेत्र और सेगावा में बच्चों के संग दिवाली मनाई। कलेक्टर पहले पाटीनाका गए, जहां पर बच्चों को पटाखे बांटे, वहीं कपड़े भी वितरित कर मिठाई बांटी, जिसके बाद शहर के सेगावा गए और वहां भी उन्होंने बच्चों के संग दीपावली मनाई। कलेक्टर ने कहा कि वे शुरू से दीपावली पर बच्चों के संग ही त्यौहार सेलिब्रेट करते आए हैं। इसके पूर्व जब वो ग्वालियर में थे तब भी उन्होंने बच्चों के संग दीपावली मनाई थी। इतना ही नहीं, कलेक्टर वर्मा खेल खेल में ही बच्चों का सामान्य ज्ञान भी बरकते नजर आए। उन्होंने सेगांव में 13 वर्षीय बालक से 13 का पहाड़ा पूछा, जिसका बालिका ने सही जवाब दिया, जिसको लेकर भी कलेक्टर ने प्रसन्नता जाहिर की। ज्ञात हो कि जिले में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब किसी कलेक्टर ने यूँ बच्चों के संग दीपावली मनाई हो। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। दिवाली मनाई है सर, बच्चों के बीच पहुँच के दिवाली मनाई है। मैं पिछले 2-3 साल पहले ग्वालियर में था, आनंद बाग का नोडल ऑफिसर था, तो अक्सर हम लोग गरीब बच्चों के साथ दिवाली मनाते थे और वो मुझे वहाँ पर बेहद खुशी मिलती थी। मैंने सोचा था कि मैं हमारे अधिकारियों के साथ में जा करके और बच्चों के साथ में दिवाली मनाऊँ तो बहुत मज़ा आता है। आज भी बहुत मज़ा आया। आज हम पाटीनाके पर भी गए थे, वहाँ पर भी लगभग 100 बच्चे थे और ये सेगांव का जो मोहल्ला है यहाँ पर भी बच्चों के साथ में दिवाली मनाई, बहुत अच्छा लगा। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे अधिकारियों ने भी आज हमारी दिवाली जो है ना सभी की बहुत आनंददायी दिवाली कर दी। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बड़वानी जिले के सभी लोग अपनी दिवाली को आनंदमयी मनाएं और लक्ष्मी जी उनको पूरा आशीर्वाद रखें और सभी की दिवाली बहुत अच्छी मनाई। सर उपहार में क्या क्या दिया बच्चों को? हम लोगों ने पार्टी नाके पर तो वहाँ पर कपड़े भी दिए थे, पटाखा दिया था, मिठाई दिया था। यहाँ पर हम लोगों ने फल भी दिए, मिठाई दी है, फटाका दिया हुआ, ये सब यहाँ पर बांटा हुआ है और बिस्किट भी बांटे हुए हैं। सर बच्चों का सामान्य ज्ञान जांचा है सर, क्या स्थिति? हाँ, बच्चों से चूँकि बड़ा मज़ा आता है जब बच्चों के साथ में इंटरेक्ट होते हैं, तो मैंने बच्चों से कुछ पढ़े वाड़े पूछे थे। एक बच्ची ने 13 का पढ़ा सुनाया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे यदि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सर बच्ची ने 13 का पहाड़ा सुनाया और आपने 1300 रुपये फल वाले को दिए, ये तो आज की दिवाली में जो दिवाली का जो मज़ा है वो कभी आ नहीं सकता है। जब भी हमारे पास जब त्यौहार आते हैं तो हमको सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए और ये जो खुशी है ये लोगों के साथ मिलकर के जो दिवाली मनाने में आती है वो कभी आ नहीं सकती है। सर वो 1300 रुपये आपने फल वाले को क्यों दिए सर? अरे उसे फल लिए इसलिए, फल वाले को 1300 रुपये दिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।